नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। कई दिनों के इंतजार के बाद रविवार को रीवा के लाल शहीद अखिलेश पटेल का पार्थिव शरीर उनके गृह ग्राम लालगांव गोदरी पहुंचा। रास्ते भर हजारों की संख्या में अंचल के लोगों ने नम आंखों से अपने लाल को श्रद्धांजलि दी और सेना के गार्ड ऑफ ऑनर के बाद पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। आंखों में आंसू, हाथ में तिरंगा झंडा और लबों पर भारत माता की जय और अखिलेश पटेल अमर रहे के नारे लगाते लालगांव अंचल के लोगों ने अपने लाल अखिलेश पटेल के अंतिम दर्शन किए। अपने बहादुर बेटे का इंतजार कर रहे लोग पहले से ही हजारों की संख्या में पार्थिव शरीर के लिए अगवानी के लिए मौजूद थे, जिसके बाद ये यात्रा लालगांव से शहीद के गृह ग्राम गोदरी के लिए रवाना हुई। शहीद अखिलेश पटेल का पार्थिव शरीर उनके घर में पहुंचने के साथ ही चीख पुकार मच गई। शहीद के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। हालांकि वहां मौजूद हर एक शख्स देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले लाल के लिए गौरवान्वित था। आपको बता दें कि बीते 4 नवंबर को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा इलाके में हिमस्खलन से बर्फ में दब जाने के कारण सेना के 2 जवान शहीद हो गए थे, जिसमें गनर के पोस्ट में तैनात रीवा के अखिलेश पटेल भी थे। तिरंगे झंडे में लपटा शहीद का शव देख कर इनके माता पिता फफक पड़े और अपने बेटे से लिपट कर रोने लगे। इसके बाद सेना के जवानों के द्वारा अपने साथी के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और बाद में अंचल के लोगों ने अपने लाल को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। रविवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद अखिलेश पटेल का अंतिम संस्कार किया गया। रीवा सांसद और जिले भर के प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में शहीद अखिलेश पटेल के बड़े भाई और सेना के जवान अरविंद पटेल के द्वारा पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी गई। इसके साथ ही सेना के जवानों ने बंदूकों के फायर के साथ सलामी की। इस दौरान क्षेत्र के लोग भावुक हो उठे और अखिलेश पटेल अमर रहे, भारत माता की जय जैसे नारों से पूरा अंचल गूंज उठा। क्या बोलिए, श्रद्धांजलि क्या सही। निश्चित रूप से घटना से हम सब दुखी हैं, लेकिन आज जो लालगांव से गढ़ से जो नौजवानों का सैलाब चला है, उससे लगता है कि ये सब शहादत बहुत बड़ी प्रेरणा दे के जा रही है। और इस गांव में तो कम से कम 200-150 के लगभग तो रिटायर्ड फौजी हैं और 200 से ऊपर फौज में हैं। इनके सगे भाई भी फौज में, इनके बाबा फौज में थे और अभी भी कम से कम 50 लड़के तैयारी कर रहे हैं फौज में जाने। तो यहाँ के नौजवानों का उत्साह देख कर ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से देश अभी सुरक्षित, बहुत ही सुरक्षित हाथों में है। और नौजवानों का जो उत्साह है, जिस ढंग से आज वो सब इस शहीद की यात्रा में दौड़ के शामिल हो रहे थे, उससे लगा कि गौरव का अनुभव हुआ, वो सीना फूलता है, गौरव को गौरवान्वित होता है। और निश्चित रूप से ये जो शहादत है,
ये एक नई प्रेरणा नौजवानों को देगी, बाकी ईश्वर उनको सदगत देगा ही, शहीद हुए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला निरंतर जारी है, इसलिए बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। और हाँ, गुड मॉर्निंग टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नमस्कार।